तत्काल पुलिस के द्वारा एएसपी मंगलौर महोदय के नेतृत्व में और क्षेत्राधिकारी मंगलौर के निर्देशन में सारी टीमें लगाई गई उन बच्चों की खोजबीन के लिए, तलाश के लिए। इस दौरान जो उक्त महिला है उसके पति का 2019 में स्वर्गवास हो गया था और 2020 से एक व्यक्ति लाखन के साथ गांव में दहियाकी गांव में किराए पर रह रही थी। लाखन के द्वारा भी पुलिस को और आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही। एक व्यक्ति के द्वारा इनपुट दिया गया कि लाखन उक्त दोनों बच्चों को नसीरपुर पुलिया की ओर ले जाते हुए दिखा था। इस पर लाखन से जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने उन दोनों बच्चों को नहर में फेंककर उनकी हत्या कर दी गई है। कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि दरअसल वादिनी के साथ उसका प्रेम संबंध था और वो प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे थे और उन बच्चों से वह नफरत करता था क्योंकि वो उसके पूर्व पति के पैदाइश थे। इस संबंध में उन बच्चों की बरामदगी हेतु प्रयास किया गया रात्रि में ही, तो 10:30 बजे के आसपास मोहम्मदपुर झाल से एक बच्चे लक्की का शव बरामद करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। दूसरे बच्चे का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है, जिसके लिए जल पुलिस और SDRF की टीमें लगाई गई हैं। पूरी तत्परता से पुलिस के द्वारा बहुत ही तेज़ी से ये पूरी तलाश और खोजबीन और कड़ियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। ये बेहद संवेदनशीलता के साथ इस पूरे घटनाक्रम का को अटेंड करते हुए अनावरण किया गया है।